और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ से आ रहे जहां पे कोष्टापारा मरीन ड्राइव से लगे मकानों में तोड़फोड़ जारी है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है। इलाके के लोगों ने विरोध किया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। नालंदा परिसर के लाइब्रेरी निर्माण को लेकर तोड़फोड़ की गई है। ये बड़ी जानकारी रायगढ़ से आ रही है जहां पे देखिए कोष्टापारा मरीन ड्राइव से लगे मकानों में तोड़फोड़ जारी है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है। इलाके के लोगों ने यहां पे विरोध किया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। नालंदा परिसर लाइब्रेरी निर्माण को लेकर यहां पर देखिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है। जब यहां पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त लोग विरोध कर रहे थे। कोष्टापारा मरीन ड्राइव से सटे हुए 4 से 5 मकानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। भारी संख्या में फिलहाल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नालंदा परिसर के लाइब्रेरी निर्माण का ये पूरा मामला है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है। इलाके के लोगों ने विरोध किया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा घर टूट रहा है और अचानक तोड़ दिए हैं। मिला था नोटिस, लेकिन 11:30 बजे लगभग हमको मिला था कि छोड़ के जाना है घर से बाहर, चाहे सामान निकाल पाओ चाहे मत निकाल पाओ, है ना। तो सामान हम लोग नहीं निकाल पाए थे, वो लोग खुद आके निकाल दिए हैं। और 11:30 बजे हमको खाली करना था और प्रशासन ने दरवाजा मेरा 5:30 बजे खटखटा के जबरदस्ती अब मेरे को खोलना पड़ा। ज्यादा दहशत था तो मैं खोला तो फटाफट घुस गए, सामान को निकाले, है ना। सामान निकालने के बाद अपना तोड़ना शुरू कर दिए। चोर टाइप का आके 4 बजे का कहते घुस के सब सामान को निकाल के फेंक के है तोड़े तोड़े कर रहे हैं। एक SDM भी आया था साथ में। नहीं नहीं निकाल ना पंखा का कहते निकल पाया, ना दरवाजा, ना चौखट, ना कुछ, ना कहीं है। सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये सब ओपी चौधरी के कहने पर हो रहा है। उन लोग भी की कोई गलती नहीं है। ओपी चौधरी शोषण कर रहे हैं आम जनता का जीत के। राजा खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजा, यहाँ पे सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई जारी है लेकिन लोगों का विरोध देखने को मिला है, क्या कहना है लोगों का? यहाँ रायपुर के तट पर रायगढ़ में नालंदा परिसर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर एक जगह का सीमांकन की गई थी, जिसमें 5 परिवार के लोगों का घर आ रहा था, जिसको आज सुबह लगभग 4 बजे से उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसके लोग काफी नाराज हैं। जिस तरह के रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री के ऊपर बयानबाजी चल रहा है। तो बिल्कुल अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या हालात नियंत्रण में? आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं अपने घरों सामान को ले जाने को लेकर। यहाँ पे विस्थापन चल रहा है, यहाँ पे अपने अपने सामान ले, क्योंकि सुबह 4 बजे भोर में अचानक यहाँ JCB लेकर घर तोड़ दिया गया था, जिनको सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई परिवार हैं, आंगन परिवार हैं, 5 परिवार मौजूद है यहाँ पे। देखते हैं आप बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं घर को अचानक 4 बजे भोर में तोड़ देना बिना कोई जानकारी का, ये गलत बात था। अच्छा राजा खान, ये बताइए जरा कितने दिन पहले यहाँ पे नोटिस दिया गया था लोगों को? नोटिस 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन ये कोर्ट के शरण में जाने वाले थे, जिसको आज इनको नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन के द्वारा 1 हफ्ते पहले यहाँ पे नोटिस दिया गया था, लेकिन आज सुबह ही यहाँ पे प्रशासन की टीम पहुंचती है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को पहले यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है और उसके बाद से कार्रवाई की जाती है। तो पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम का ये एक्शन देखने को मिला है। कोष्टपारा मरीन ड्राइव से लगे ये इलाका है। फिलहाल जब कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। राजा खान, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। अब ये बताइए जरा लोगों की क्या मांगे हैं और पुलिस का क्या कहना है, पुलिस किस तरीके से यहाँ पे लोगों को कन्विंस कर रही है? पुलिस यहाँ पे लगातार लोगों को समझाइश से जुटी हुई है और लोगों की मांग है कि हमें घर तोड़ा गया तो हमें एक विस्थापन के लिए एक नया जगह दिया जाए, जहाँ पे हम परिवार के साथ वहाँ रह सके। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोगों का कहना है कि हमारे घर तोड़ने से कोई आपत्ति नहीं है उनका, बस उनको एक विस्थापन के लिए एक नई जगह देना चाहिए, ताकि उनको परिवार के साथ आगे भरण पोषण कर सके।
अगर जो यहाँ पे लोगों की मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है तो फिर क्या रुख यहाँ पे लोगों का रहने वाला है अगला? देवांगन समाज काफी आक्रोश में है, अगर इन इन पांच परिवार के मकान तोड़ने के बाद इनका अगर मांग पूरी नहीं की जाएगी तो आगे ये आंदोलन करने पे उतारू हो सकते हैं। तो बिल्कुल, अभी ये बताइए जरा, फिलहाल इस जगह में, इस इलाके में जहां पे कार्रवाई हुई, कितनी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है? लगभग 3 थाने के पुलिस फोर्स आए हुए थे, वो उर्दना स्पेशल फोर्स आए हुए थे ताकि अपनी घटना को ना घटे, इसको लेकर एडिशनल एसपी मौके पहुंचे थे, एसडीएम साहब पहुंचे थे और नगर कोतवाल वगैरह मौके पर पहुंचे हुए थे। तो अभी अब फिलहाल क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे अब वो कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की गई है? एसडीएम के द्वारा अभी तत्कालिक व्यवस्था नहीं की गई है जिसको लेकर अभी लोग आक्रोश हैं। वही माने एसडीएम को ज्यादा समझाई दी गई है, तत्काल उनके लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है मकान की, जिसके बाद वो तत्काल घर को विस्थापन किया जाएगा। राजा खान, अगर संभव हो तो वहां पे लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से अब यहाँ से 4 से 5 मकानों को तोड़ा गया है। राजा खान, ये बताइए जरा, एक परिवार में कितने सदस्य रह रहे थे? ये आपका घर कितने लोग थे परिवार में आपको? 4 से 10 परिवार वाले बात करना नहीं चाह रहे हैं अभी क्योंकि एक गमगीन माहौल है। हाँ बोलो। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये लोग, क्योंकि इनको रहने के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लोग परेशान हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या व्यवस्था अब प्रशासन के द्वारा की जाती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए राजा खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।